गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 3, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो एज वी हैव सीन अर्लियर, द सीजन ऑफ हिल्सा फिश वॉज देयर एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। सो द किंग ऑफ दैट प्लेस गेट इरिटेटेड एंड चैलेंज हिज वन ऑफ द मोस्ट क्लेवर कोर्टियर टू bring the hilsa fish from the market, and nobody, even his wife, have to talk about it. Means usne apne ek courtier ko challenge kiya ki tumhe market se hilsa fish lana hai aur koi us bare mein baat na kare, is bare mein tumse koi sawal na kare. To aisa ek challenge usne apne courtier ko diya, and the courtier accepted it. So for that, first of all he half shaved his face, then smeared some ऐश ऑन हिज फेस। उसने अपना फेस आधा ही शेव किया और अपने चेहरे पर राख मल के और पुराने कपड़े पहन के वो हिल्सा फिश लेने चला गया। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीदी और पैलेस की तरफ वॉक करना शुरू किया। यू कैन सी गोपाल हियर एंड अ हिल्सा फिश इन हिज हैंड। Mother, look at the man. Isn't he comical? So there's a kid who's talking to his mother that look at that man. Isn't he comical? Comical means funny. देखिए उस आदमी को, क्या वो मजाकिया नहीं लग रहा, क्या वो funny नहीं लग रहा। Then some people were talking, he must be a madman. वो ज़रूर कोई पागल आदमी है। Hush, I think he is a mystic. नहीं, वो कोई जादूगर या तांत्रिक या साधु होगा। मिस्टिक मीन्स जिसके पास कोई पावर हो। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, गोपाल जब कोर्ट पहुंचा, देन द सोल्जर स्टॉप्ड हिम एंड वन ऑफ देम ही सेड, व्हाट डू यू वांट, क्या तुम क्या चाहते हो। उसमें से एक सोल्जर्स ने उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग। सो द गोपाल रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कैन सी द किंग, गेट अवे विद यू। उसने कहा तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से निकल जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल जोर जोर से नाचने और गाने लगा, बहुत शोर मचाने लगा। दैट मीन्स इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर। द मैन इज़ क्रेजी, वो ये आदमी पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे एक बार में बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो गोपाल की आवाज़ है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, राजा ने तभी कहा कि उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। येस योर मेजेस्टी, द सोल्जर्स एग्री विद हिम। गोपाल वॉज बोर्ड बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। गोपाल को राजा के सामने लाया गया। तभी कोर्टियर ने उसे पहचान लिया और कहा ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, उसमें से एक कोर्टियर ने कहा कि गोपाल अपना दिमाग खो चुका है, मतलब वो पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, और एक ने कहा शायद ये उसका कोई बुरा गंदा मजाक है। Then the king said, "All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion?" तो राजा ने पूछा, चलो गोपाल अब बताओ क्या तुम इस ridiculous fashion, तुमने इतने बुरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। Your Majesty, you seem to have forgotten something. तो गोपाल ने कहा, Your Majesty, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। Forgotten something? राजा ने पूछा, मैं कुछ भूल रहा हूँ। Strangely enough, no one seemed to be interested in hilsa fish today. From the market to the palace and in court, not a soul has spoken a word about hilsa fish. उसने कहा strangely, मतलब हैरानी की बात है, आज कोई भी hilsa fish में interested नहीं है। Market से palace तक और palace के अंदर भी कोई भी मुझसे hilsa के बारे में सवाल नहीं पूछ रहा है। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal.
तभी राजा को अपना चैलेंज याद आया जो उसने गोपाल को दिया था। हा हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा ने गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और उन्होंने कहा कि एक बार फिर तुमने इम्पॉसिबल अचीव कर लिया है, कि जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो तुमने कर दिखाई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।